यही बैठ गई और रोहन भी यही सो गया। तुझे नींद नहीं आ रही थी? नींद नहीं आ रही थी तो बाहर आ गई, मेरे पीछे पीछे ये भी बाहर आ गया, फिर बात करते करते सो गया। दी क्या हुआ है? क्या तेरे दिल में कुछ बात है ना? तो कब से सोचे जा रही है, बताओ मुझे क्या हुआ है? दी मैं तेरी बहन हूं ना, तो मुझसे कुछ भी बात कर सकती है, बता ना क्या हुआ है। शालू मुझे पता नहीं क्यों पर इस रोहन को देख के मुझे अपने रोहन की याद आती। तो अपने रोहन को भूल नहीं पाई है ना, एक माँ अपने बच्चे को कैसे भूल सकती है? शायद इसलिए तुझे इस रोहन को देख के अपने रोहन की याद आती हो। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है शालू, पता है जब भी मैं इसकी तरफ देखती हूँ, इसे गले लगाती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने रोहन को गले लगाया। जब भी इसे ऐसे गोद में सुनाती हूँ तो ऐसा लगता है मेरा रोहन मेरी गोद में सो रहा है। अगर मेरा रोहन होता अभी तो इतना ही बड़ा होता ना। इसकी हर एक चीज मुझे रोहन की याद दिलाती है। बड़ी दादी, आपका घर तो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी है। थैंक यू, लेकिन अब से ये घर तुम्हारा भी है। सच्ची? वो कैसे? आप यहाँ रहोगी तो आपका घर हुआ ना फिर। आपने बात तो सही की, ये मेरा भी घर। बिल्कुल तुम्हारा घर है। दी भाग्यों में जो लिखा होता ना वही होता है, अगर भाग्य में बिछड़ना लिखा है ना तो मिले हुए भी बिछड़ जाता है, और अगर मिलना लिखा है तो बिछड़ने वाले भी मिल जाते हैं। तो मेरे भाग्य में क्या लिखा है शालू? सिर्फ बिछड़ना? पहले माँ बाबू जी, फिर ऋषि, पूरा परिवार, फिर रोहन। दिए तो बाबा जी को ही पता है कि उन्होंने लक्ष्मी भाग्य में क्या लिखा है, पर तो कभी हिम्मत मत छोड़ना, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहना। लो जी, ये है बड़ी दादी का कमरा। हाँ। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं इस तरफ सो जाऊंगी, तुम उस तरफ सो जाना। नहीं नहीं बड़ी दादी, आप ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। नहीं भाई, तुम नीचे क्यों सोओगी? वो बड़ी दादी क्या है ना, अगर मैं ऊपर सोऊंगी तो पूरे बेड को कब्जा कर लूंगी, फिर आपको दिक्कत होगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मैनेज कर लूंगी।